पेरेंट्स यहां बैठे हैं, अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको रोज बोलिए 5 किलोमीटर दौड़, मैं तेरे को एथलीट बनाना चाहता हूं, बंद दौड़ा दौड़ तू जा दौड़, मैं तेरे को ओलंपिक दौड़ाएगा, नहीं पढ़ना मत पढ़ दौड़। दौड़ने के लिए तो कोई स्किल की जरूरत नहीं है, सुबह उठाइए 4 बजे अपने साथ में स्कूटर लीजिए दौड़, मैं चल रहा हूं, तू दौड़ मैं चल रहा हूं, तू दौड़ बेटा, या तो पढ़ या तो दौड़, दो विकल्प है, या तो दौड़ या तो, दोनों में लास्ट में ड है, एक्सेप्ट करो या तो ढ पर ढबू। अब मैं आता हूं दूसरे पैटर्न पे, कितने लोग चाहते हैं कि भारत चाइना से आगे निकल जाए? यस, सब चाइना में मोबाइल लेकर बैठेंगे और आगे निकलना है। अभी भारतवर्ष के एक सबसे जाने वाले व्यक्ति, जिनकी पुत्री की शादी जिस व्यक्ति से हुई वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री का नाम है, जो जाने वाले व्यक्ति हैं, भारत में आईटी रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा उनका योगदान है, एंड भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं, नाम है नारायण मूर्ति, नाम सुना सबने, इंफोसिस के फाउंडर चेयरमैन। अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट सुनने के बाद देश के ट्विटर और जहां जहां पे थोड़े बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं वहां पर युद्ध छिड़ गया कि नारायण मूर्ति ऐसा बोला कैसे, और जब से उन्होंने बोला तब से मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूं। भारत को आने वाले समय में अगर चाइना को पीछे छोड़ना है तो भारत के युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब पर डे 12 आवर्स।